सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सर। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। ये मैंने तीज मेकअप लुक क्रिएट किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया, तो इसके लिए आज की वीडियो जरूर देखें। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिप बाम यूज़ किया है। मैंने मेबलिन की लिप बाम यूज़ किया है और मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन पहले ही कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है। समर के लिए ये बेस्ट क्रीम है। डॉट डॉट करके मैंने अपने पूरे फेस पर और अपनी नेक पे अप्लाई की है। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। हुड्डा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। डैप डैप करके आपको इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। जितना भी आपको ब्लेंडिंग में टाइम लगता है, उतना ही आप टाइम लगाइए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उतना ही अच्छा आपका मेकअप लुक होगा। अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर से आपके जो भी डार्क सर्कल्स होंगे, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, वो सारी कवर हो जाएगी। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मी का कॉम्पैक्ट लिया है विद SPF 40। अगर आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई किया, तो इस कॉम्पैक्ट में SPF 40 है, जो आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। अच्छी तरह से डैब डैब करके अपने पूरे फेस पर और नेक पर इसे लगाना है। आपको कॉम्पैक्ट अपने फेस पर रगड़ना नहीं है, बिल्कुल आराम से डैप डैप करके लगाना है। आई शेडो के लिए मैंने अपने सूट से मैचिंग ही कॉपर सा कलर मैंने लिया है और बिल्कुल लाइट लाइट मैंने इसे लिया है। ये तीज स्पेशल मेकअप लुक है। और अब मुझे आईलाइनर अप्लाई करना है। आईलाइनर लगाने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। काजल मैंने यहाँ पे ADS का काजल मैंने यूज़ किया है और जस्ट मैंने अपनी वाटर लाइन पे ही काजल लगाया है। ये देखिए, सिर्फ मैंने वाटर लाइन पे लगाया है और एक स्मज ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से स्मज कर लूँगी। ऐसा करने से मेरा काजल बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्मज करने से आपकी आइज़ में कितनी अच्छी लुक आ जाती है। और अब मैंने मस्कारा अप्लाई किया है अपने अपर लैशेज और लोअर लैशेज पे। मस्कारा लगाने से आपकी आंखें बहुत ही अच्छी और सुंदर नज़र आती हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कॉपर सा कलर लिया है। थोड़ा सा मैंने अपने फिंगर से ब्लशर लिया है और उसे अपनी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दिया है। एट द एंड हाइलाइटर, जो आपके मेकअप को बहुत ही अच्छी लुक दे देता है। हाइलाइटर लगाने से आपकी पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। आपका फेस बहुत ही ग्लोइंग नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने एक बिंदी अपने सूट से मैचिंग बिंदी लगा ली है। और अब मुझे अपना हेयर स्टाइल करना है। हेयर स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे साइड पफ कर रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये पफ कैसे किया, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने इस साइड पफ को बनाया है। और इस साइड से ऐसे मैंने दो रोल्स करके एक अच्छी अपने बालों को एक अच्छी सी लुक दे दी है। ये देखिए फ्रेंड्स,
और अपने बालों को ऐसे साइड पे करके मुझे इन्हें कवर करना है। मैंने अपने बालों पे परांदी डालनी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा मेकअप लुक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैंने अपना हेयर स्टाइल भी कर लिया है। अब मुझे इयररिंग्स डालने हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के हैंगिंग इयररिंग्स यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।